का जो वर्कशॉप है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब पहली बार साकेत आए थे और उसके बाद डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य आए थे तो बता रहे थे कि हम लोग तो झारखंड में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो लैब है वहाँ की स्थिति बहुत ही खराब है। मतलब स्थिति ऐसी है कि कोई भी हमारा ISO सर्टिफाइड नहीं है, इन्हें भी एक्रेडिटेड नहीं है। अभी मैं पूछ रहा था डॉक्टर भट्टाचार्य से कि बताइए कि सदर हॉस्पिटल है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी आप लोग देख रहे हो कि सदर हॉस्पिटल्स में काफ़ी आगे तरक्की कर रहा है, बढ़ रहा है। अभी मैंने पता किया तो पता चला कि सदर हॉस्पिटल भी ISO सर्टिफाइड नहीं है, यानी कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है जिनके लैब है वो सर्टिफाइड नहीं है ISO। लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो लैब है वो सर्टिफाइड है। ये बड़ा आश्चर्य का बात होता है क्योंकि हेल्थ सर्विसेज में जब हम लोग देखते हैं तो सबसे शीर्ष पे जो हमारे राज्य में संस्थान है वो मोरिंग्स है। तो कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स या मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो जब भी उनको प्रॉब्लम होती है, जब भी देखना चाहते हैं तो हमेशा मोरिंग्स की तरफ निगाहें लगा करके देखते रहते हैं। देखना चाहते हैं कि रिम्स में क्या इस तरह का व्यवस्था है। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रिम्स जो हमारा संस्थान है, जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस हम लोग कहते हैं, इसको लीडरशिप क्वालिटी में आने की आवश्यकता है। और जब रिम्स में हम ISO सर्टिफाइड होंगे, NABL से एक्रेडिटेशन प्राप्त करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके बाकी जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में हैं वो लोग भी सर्टिफिकेशन दिया पड़े। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें इस दिशा में लीडरशिप के रोल में आना है और सबसे पहला काम करके दिखाना है कि हमें ISO सर्टिफाइड हो। हमें मुझे आइडिया नहीं कि कितने वर्षों में यह होगा कि इसका एक प्रोसेस है ISO सर्टिफिकेशन का हो, NABL से एक्रेडिटेशन का हो, लेकिन एक रोड मैप जरूर बनाना चाहिए जिसमें कि अगले आने वाले आप समझ सकते हैं एक वर्षों में आप सर्टिफाइड हो, उसके बाद अनदर वन ईयर में हमारे बाकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स इनको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं वहाँ पे एक्रेडिटेशन हो, वहाँ सर्टिफिकेशन प्राप्त हो, तभी इस तरह के वर्कशॉप की जो है वो हम लोग जो कर रहे हैं इसकी सफलता साबित हो। तो इस वर्कशॉप जो आप लोग कर रहे हैं इसकी सफलता के लिए एक हम लोग को रोड मैप भी बनाना चाहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि एक रोड मैप बना दें और उस रोड मैप के तहत क्या क्या काम किए जा रहे हैं उसका टाइम बाउंड तरीके से निर्धारण कर दिया जाए ताकि आने वाले समय में रिम्स के साथ साथ और बाकी जो हमारे संस्थान है वो भी एक्रेडिटेशन और सर्टिफिकेशन की कार्रवाई कर सकें। ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें देखिए कोई भी सरकारी व्यवस्था में राज्य सरकार की तरफ से हर एक साल का बजट भी है, हम बजट का 80% से 90% भी पैसा नहीं खर्च कर पाते हैं, यानी कि राज्य सरकार के पास इस क्षेत्र में पैसा खर्च करने के लिए पैसे की कमी नहीं है। तो यदि आपको सर्टिफिकेशन प्राप्त करने में या क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करने में किसी तरह की राशि की आवश्यकता हो तो आप राज्य सरकार से प्राप्त कर सकते हैं, रिम्स से अपना इंटरनल रिसोर्सेज हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अपने रिसोर्सेज जनरेट हो रहे हैं, उससे भी आप पैसा खर्च कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों में बहुत सारे जो काम सदर हॉस्पिटल कर रहा है वो कोई राज्य सरकार से पैसा नहीं ले रहा, उनका अपना रिसोर्सेज जनरेट हो रहा है। अभी मैं डायरेक्टर साहब से बात कर रहा था कि क्या हम लोग रिम्स में अपने रिसोर्सेज जनरेट करके इसको इम्प्रूवमेंट पे ट्रैक भी डाल सकते हैं, ये संभव है और ये राज्य में ही एग्जांपल है। तो ये जो हम लोग को अभी जब हमने देखा होगा कि राज्य सरकार ने सारे एम्प्लॉइज को इंश्योरेंस करने के लिए टाटा एएनजी के साथ पेट्रोल साइन किया, तो सारे हमारे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज इंश्योर्ड, हमारे
करीब करीब 85% जो यहाँ की जनसंख्या है वो आयुष्मान भारत या वो स्वास्थ्य योजना के तहत आच्छादित है, वो बेनिफिशियरीज होते हैं। तो लगभग पूरे राज्य में 85-90% लोग इंश्योरेंस किसी न किसी तरीके से इंश्योर्ड है, और ये सारे जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो पेमेंट करती है, और हम लोग यहाँ इलाज भी कर रहे हैं, इलाज भी उन्हीं लोगों का कर रहे हैं, लेकिन हम किसी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं, और डॉक्यूमेंटेशन के अभाव में हम लोग जो क्लेम होता है वो क्लेम नहीं ले पा रहे हैं। यदि हम अपना डॉक्यूमेंटेशन इम्प्रूव करेंगे, क्लेम लेंगे, हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा प्राप्त होगा, और फिर हम उसको इंस्टीट्यूशन के स्तर पर खर्च कर पाएंगे। इसके लिए कोई राज्य सरकार पर निर्भरता की आवश्यकता नहीं, आप खुद ही इसमें इम्पावर्ड हैं, अच्छी कर सकते हैं, अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और आने वाले समय में हम लोगों ने डिपार्टमेंट में भी किया था कि आने वाले समय में हम लोग का पूरा लक्ष्य होगा कि 2-3 वर्षों में सारे हॉस्पिटल्स जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स तक जो शामिल हैं, मेडिकल कॉलेज प्लस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को किस तरीके से हम सेल्फ सफिशियंट बनाएं ताकि वो ऑटो मोड पर रन करें और आपकी डिपेंडेंसी जो गवर्नमेंट पे हो जीरो हो जाए। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा देगी, सैलरीज के लिए जो इम्प्लॉइज है उनके लिए पैसा देगी, लेकिन आप डे टू डे ऑपरेशन मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर्स होता है, या फिर जो आपको ज्यादा स्टाफ की जरूरत है, जहाँ पे स्टाफ गवर्नमेंट ने कम सैंक्शन किया है, आपको ज्यादा आदमी की जरूरत है, तो आप उस पैसे से अपना स्टाफ भी हायर कर सकते हैं, आप रेगुलर एक्सपेंडिचर जो होता है वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह की भी ट्रेनिंग मुझे लगता है कि जैसे आपने वर्कशॉप आज इसके लिए किया है, सर्टिफिकेशन के लिए किया है, आने वाले समय मुझे लगता है कि इस तरह का रिम्स में एक ट्रेनिंग और प्रोग्राम होना चाहिए कि कैसे हम अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को और खास करके रिम्स को हम सेल्फ सफिशिएंट बना सकें ताकि ऑटो मोड पर रन कर सके और बेहतर के लिए काम कर सके। तो आज के इस वर्कशॉप में मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आप लोग अच्छा से ट्रेनिंग लीजिए, और जैसे डायरेक्टर साहब ने कहा है कि पूरा जो प्रोटोकॉल है और SOP है ठीक से फॉलो करेंगे तो जो गलतियाँ होती हैं वो गलतियाँ नहीं होंगी, और 90% तो मैंने काम देखा है कि वो टेक्नीशियन ही करते हैं, 10% ही डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जहाँ पे डिस्क्रिप्शन जहाँ पे कंफ्यूजन होता है तो टेक्नीशियन या मशीन नहीं बता पा रहे, वहीं पे आप डॉक्टर्स का इंटरवेंशन होता है, पर 90% केसेस में कंपाउंडर बना के देता है, डॉक्टर्स उसी को सही कर देते हैं। लेकिन यदि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यदि हम फॉलो नहीं करेंगे, बेंचमार्क जो दिया है उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो 90% पर चलेगा आपका रिपोर्ट जो होगा गलत हो जाएगा। इसलिए ये पूरा प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना चाहिए, और प्रोटोकॉल यदि आप फॉलो करेंगे नीचे डाउन द लाइन तो आपकी जो गलतियां हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी, और एक अच्छा क्वालिटी हम रिपोर्ट दे पाएंगे ताकि पेशेंट को जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो पेशेंट को प्रॉब्लम्स नहीं होता। ये बहुत ज़रूरी है वर्कशॉप में आपको सीखे,